हेलो स्टूडेंट, अब आप घर बैठे कंप्यूटर सीख सकते हैं। चलिए सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि लेसन वाइज हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। सो स्टूडेंट, क्लास 4-5 हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। सो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए क्लास 6 ए बी सेक्शंस का लेसन 3 लेकर के आए हुए हैं। सो स्टूडेंट, लेसन 1 लेसन 2 ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। सो स्टूडेंट, आपको देखने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना होगा। सो स्टूडेंट, हमारा चैनल का नाम है कंप्यूटर एडी डॉट कुंदन। चलिए सो स्टूडेंट, हम लोगों का आज हम लोग लेशन 6 का क्लास 6 का लेशन 3 पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, चलिए फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं, आइए। सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों को कलर थोड़ा ले लेते हैं, इस पर ब्लू ले लेते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे लेशन 3 है आज हम लोगों का, लेशन 3 हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सो स्टूडेंट, कंप्यूटर के निम्न सहयोगी भागों के नाम लिखिए। सो स्टूडेंट, यहाँ पे नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है हमारा स्टूडेंट, ये हमारा सीपीयू है। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा मॉनिटर है। ये हमारा कीबोर्ड है। और ये हमारा स्टूडेंट प्रिंटर है। सो स्टूडेंट, इसमें जो भी जितने भी सारे पार्ट्स हैं ये सब सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह के प्रणाली को कहते हैं। क्लियर, जैसे अस्पताल का एक सिस्टम है जिसकी इकाइयां या भाग है नर्स, डॉक्टर, चिकित्सक के उपकरण, ऑपरेशन थिएटर तथा मरीज आदि। जैसे अस्पताल का एक सिस्टम है उसके बहुत सारे भाग हैं, तो जैसे कौन कौन से भाग हैं। सो स्टूडेंट, जैसे आपको एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं, नर्स है, डॉक्टर है, चिकित्सक के उपकरण है, ऑपरेशन थिएटर है, मरीज है, पेशेंट है। सो स्टूडेंट, तो आप समझ गए अस्पताल एक सिस्टम है और ये उसके पार्ट्स है। क्लियर, तो उसी तरह से इसका लक्ष्य है मरीजों का सेवा या चिकित्सा करना। इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है जिसे निम्नलिखित भाग होते हैं। तो सो स्टूडेंट, जैसे आपको अस्पताल का एक एग्जांपल दिया, उसी तरह से उसके कितने कितने सारे भाग हैं, नर्स है, डॉक्टर है, चिकित्सक है, उसी तरह से हमारा निम्नलिखित भाग होते हैं कंप्यूटर सिस्टम का भी। सो स्टूडेंट, चलिए तो कम हार्डवेयर क्या होता है। सो कंप्यूटर के यांत्रिक, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग तथा कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, विद्युत से चलती है, आंतरिक भाग होते हैं, वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। सो उदाहरण के रूप में माइक्रो प्रोसेसर, आईसी चिप, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट, ये सब हमारे जितने भी हैं ये सब हमारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं। हार्डवेयर सिंपली पार्ट्स जिसको हम लोग सो स्टूडेंट देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर, इसको हम लोग देख भी सकते हैं और टच कर सकते हैं। ये हार्ड डिस्क हार्डवेयर है, फ्लॉपी डिस्क हार्डवेयर है, सीडी ड्राइव हार्डवेयर है, स्कैनर हार्डवेयर है, प्लॉटर। सो स्टूडेंट, ये बड़ा जो प्रिंटर फ्लैक्स वगैरह जो निकलता है, सो उसको हम लोग प्लॉटर प्रिंटर बोलते हैं। और ये हमारा कीबोर्ड और ये हमारा क्या है, माउस। सो स्टूडेंट, ये सब जितने भी सारे पार्ट्स हैं या कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए सो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। सो जो भी हम पढ़ाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर आपको 6200390793 नंबर पे आपको भेजना है। सो स्टूडेंट, आपको जो भी कोई परेशानी हो इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा नंबर मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है। सो स्टूडेंट, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर देंगे इस पे आपको बना के भेजना है। सो क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट, कंप्यूटर के प्रभावी कार्य के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामों को सेट और कार्य विधि ही सॉफ्टवेयर कहलाती है। बिना सॉफ्टवेयर के आप हार्डवेयर उपकरण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, बिना सॉफ्टवेयर के कारण हार्डवेयर उपकरण का कोई प्रयोग नहीं होता। बाजार में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। सो स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल यानी प्रोग्रामर और एक सिस्टम एनालाइज द्वारा विकसित किए जाते हैं। क्लियर, आइए सॉफ्टवेयर के प्रकार जानते हैं यानी काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आइए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सो स्टूडेंट, ये वीडियो आपका लगभग 10 से 12 मिनट का होगा। सो स्टूडेंट, ये लास्ट तक वीडियो देख के जाएं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सो स्टूडेंट, इसको आप सीखिए और नॉलेज गेन कीजिए। सो स्टूडेंट, चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामों का
समूह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को व्यवस्थित तथा नियंत्रित करता है। ये सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयरों की कार्यविधि को भी नियंत्रित करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर विंडो कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने में भी सहायता करती है। सो स्टूडेंट आइए, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जैसे आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट, ओएस जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, जैसे एक्सपी हो गया, आज विंडो 7 है, विंडो 8 आ गया, विंडो 10 है। तो ये सब सारे स्टूडेंट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। क्लियर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का बीज की तरह कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई नियंत्रित प्रोग्रामों से बना होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी शामिल होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं। सो स्टूडेंट, ये जो लिनक्स है ये हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये डॉट मोड सिस्टम कहलाता है। सो स्टूडेंट, और ये हमारे मैक जो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य करते हैं, और ये हमारे विंडो 8 जो हमारा ये विंडो बेस्ड है, और ये मैक जो है एप्पल बेस्ड है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कॉस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। चलिए, एप्पल कंपनी के जो भी चीजें होती है सारा एप्पल ही सपोर्ट करता है। सो स्टूडेंट आइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जिसे उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाता है। कार्य की प्रकृति के आधार पर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर चुनाव करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमें कंप्यूटर पर चित्र बनाना हो तो हम एमएस पेंट पर कार्य कर सकते हैं, दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। एमएस वर्ड का प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है। यह कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सब सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह किसी दस्तावेज को शीघ्रता तथा दक्षता से तैयार करने में सहायता करता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये है स्प्रेडशीट, ये एक्सेल है। तो इसमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी एमएस एक्सेल सामान्यतः सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम की सहायता से आंकड़ों पर गणना यानी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं तथा सूचनाएं को प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाले स्प्रेडशीट कौन सा है? एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड? एमएस एक्सेल दीजिए। निम्नलिखित में से एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो एमएस वर्ड। कीबोर्ड तथा माउस कैसा है? आइए तो ये है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से बड़ी मात्रा में इकट्ठा किए गए आंकड़ों को दक्षता से विकसित किया जा सकता है। और ये है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हम ये वीडियो बना रहे हैं उसमें ये पावर पॉइंट की सहायता से ही बन रहा है। एमएस पावर पॉइंट प्रसिद्ध प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयरों में से एक है। यह प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। जिन्हें हम उपयोग करते हैं। आइए गेमिंग सॉफ्टवेयर क्या है? तो गेमिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। और यह है प्रोग्रामिंग भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लोगो प्रोग्रामिंग भाषा है जिन्हें विभिन्न कमांड द्वारा कंप्यूटर पर आकृतियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे साधारण गणनाएं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए भी उपयोग लाया जाता है। और दूसरी प्रोग्रामिंग भाषा है जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, विजुअल बेसिक है, कोरल है, सॉरी सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, विजुअल बेसिक है, पैथन है, न्यू जो अभी लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट ये सब हमारे प्रोग्रामिंग में आ गई। यह भी जानिए लेडी एडा लवलेस दुनिया की प्रथम प्रोग्रामिंग है। तो स्टूडेंट देख लीजिए इसको, याद रखें जावा एक आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर एप्लीकेशन तैयार किए जाते हैं। और ये है नीचे दिए गए संकेत आइकन को पहचान कर संबंधित टॉपिक के नाम लिखे। तो सोचते हैं ये हमारे पावर पॉइंट है, ये हमारा एक्सेल है, ये हमारा वर्ड है, ये हमारा एक्सेस है, और ये हमारा पेंट है। क्लियर है? और स्टूडेंट ये सब सारे क्वेश्चन को आप बना करके इस आंसर को इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप करेंगे। सो स्टूडेंट चलिए, जो भी हमारे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। सो स्टूडेंट चलिए, एवरीवन हैज टू रिमेंबर बाय राइटिंग डियर इन कॉपी फ्रॉम दिस बॉय एंड गर्ल। तो इसको आप याद कीजिए कॉपी में लिख लीजिए। सो स्टूडेंट फिर मिलेंगे हम आपके लिए, नया वीडियो लाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।